गुड मॉर्निंग. टुडे वी विल डील इन द दैट इज द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स. फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स. मेटल्स के फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या क्या होते हैं, इस चीज को जानना है. पहला सबसे बड़ी चीज आती है, दैट इज कॉल्ड फिजिकल स्टेट. पहला होता है फिजिकल स्टेट. फिजिकल स्टेट पता ही है बच्चे किस अवस्था में होता है. मोस्ट ऑफ द मेटल्स आर सॉलिड एट रूम टेम्परेचर. एक्सेप्शन है बच्चे, यहां अपवाद किस को कह सकते हो. एक्सेप्शन हमें आता है मरकरी इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर. ठीक है ना, मरकरी एक ऐसा मेटल है जो लिक्विड होता है रूम टेम्परेचर. तो आपने जाना है कि जितने भी मेटल्स हमारे आसपास होते हैं, चाहे वो आयरन हो, एल्यूमिनियम हो, कॉपर हो, कोई भी हो, मोस्टली क्या होते हैं बच्चे, सॉलिड होते हैं एट रूम टेम्परेचर. और जैसे ये क्या कहते हैं, एक एक्सेप्शन है मरकरी. दूसरा इसमें आता है मेलेबिलिटी एंड, और ये मेटल्स की मैंने बात किया. फिर मोस्ट ऑफ द नॉन मेटल्स जो होते हैं, मोस्ट ऑफ द नॉन मेटल्स आर क्या कहते हैं, गैसियस सॉलिड और गैस आर सॉलिड्स एंड गैसेज. अब कहोगे सर सॉलिड और गैस में कौन कौन से नॉन मेटल हैं? फॉर एग्जांपल ले सकते हैं आप. ठीक है ना, आप एग्जांपल की बात करें तो जैसे आपका हो गया सल्फर, फॉस्फोरस. सल्फर, फॉस्फोरस ये सब क्या है बच्चे, सॉलिड है. फिर आपका हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, नाम से ही क्लियर है क्या बच्चे, ये गैस के फॉर्म में पाए जाते हैं. ठीक है, लेकिन आपका जो मेटल की बात करूं तो मोस्ट सारे मेटल्स जो होते हैं वो सारे सॉलिड होते हैं. एक्सेप्शन सिर्फ उसमें यह है मरकरी जो होता है एक मेटल है जो कि लिक्विड होता है रूम टेम्परेचर. मरकरी देखा होगा आप लोगों ने, आपके थर्मोमीटर में पाया जाता है. दूसरी की जो मैं बात करूं सो मेलेबिलिटी एंड ब्रिटलनेस. दूसरी प्रॉपर्टी दिया हुआ है बच्चे, दैट इज कॉल्ड मेलेबिलिटी. ठीक है ना, मेलेबिलिटी एंड ब्रिटलनेस. अब मैं इसकी बात करूं तो मोस्ट ऑफ द मेटल्स जो होता है हमारा वो सारे क्या होते हैं, मेलेबल होते हैं. ठीक है ना, मेटल्स आर मेलेबल. That means malleable means क्या हो गया बच्चे, मतलब इसको पीट पीट के आप चादर बना सकते हैं. You can hammer it. ठीक है ना, आप उसको पीटे से देखा होगा आपने, एल्यूमिनियम शीट देखी होगी आपने, लोहे की शीट देखी होगी, लोहे का चदरा वगैरह देखते हो ना. एल्यूमिनियम फॉइल कितना पतला होता है देखा है, जिसको रोटी रैप करने के लिए यूज करते हैं गर्म रखने के लिए. इसके अलावा गोल्ड को देखिए आप, गोल्ड को पीट पीट के पतले पतले तार या पतली पतली चादरें बनाई जा सकती है. सिल्वर को, तो मोस्ट ऑफ द मेटल्स जो होते हैं वो क्या होते हैं बच्चे, मेलेबल होते हैं. और मोस्ट ऑफ द नॉन मेटल्स जो होते हैं वो क्या होते हैं आपके, ड्यू टू मेलेबिलिटी प्रॉपर्टी जो होता है दे आर वेरी यूजफुल टू अस. फॉर एग्जाम्पल एल्यूमिनियम फॉइल आर वाइडली यूज फॉर सेफ पैकेजिंग ऑफ फूड स्टफ्स, मेडिसिन, चॉकलेट्स, मैंने भी आपको कहा था. ठीक है, एंड दैट लाइक. जिंक मेटल जो है एक एक्सेप्शन है जो कि ब्रिटल नेचर में होता है. क्या होता है बच्चे, ब्रिटल होता है. ब्रिटल मींस जिसके कारण जैसे ही उस पर हथौड़ा मारोगे टूट जाएगा पूरा, क्या होगा, टूट. ठीक है ना, तो मोस्ट एक एक्सेप्शन इसमें कौन सा हो गया बच्चे, एक्सेप्शन जिंक मेटल. जिंक मेटल जो होता है हमारा वो ब्रिटल होता है. अब मैं अगर ब्रिटलनेस की बात करूं तो मोस्ट ऑफ द नॉन मेटल्स जो होता है वो नॉन जो सॉलिड होते हैं, जो गैस है तो गैस ही है, उनकी कोई बात ही नहीं है.
लेकिन जो नॉन जो मोस्ट ऑफ द सॉलिड नॉन मेटल्स आर ब्रिटल। ब्रिटल मीन्स क्या होता है बच्चे, जैसे ही आप इस पे हथौड़ा मारोगे टूट जाएगा, ये जो है सो चादर के रूप में फॉर्म नहीं होगा, ठीक है। ब्रिटलनेस आपको दिया हुआ द प्रॉपर्टी ड्यू टू विच नॉन मेटल्स इफ इन सॉलिड स्टेट, गैस में तो हथौड़ा मारने का टेंशन ही नहीं है, ब्रेक अप इनटू पीसेज ऑन हैमरिंग इज कॉल्ड ब्रिटलनेस। नॉन मेटल्स आर जनरली ब्रिटल, ब्रिटल मीन्स उस पर हथौड़ा मारोगे टूट जाएगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल सल्फर एंड कोक ब्रेक अप इनटू स्मॉल पीसेज ऑन हैमरिंग, ठीक है ना, एंड दैट लाइक। और गैस और लिक्विड ये ब्रिटलनेस की प्रॉपर्टी शो नहीं करता है। आपकी बुक में इसका डिफिनेशन दिया हुआ है, ब्रिटलनेस इट इज द डेट प्रॉपर्टी ऑफ ए नॉन मेटल ड्यू टू विच इट कैन कन्वर्टेड इंटू टीनी पीसेज वेन हैमर्ड विथ एनी हैमर एनी हार्ड ऑब्जेक्ट एंड दैट लाइक। मोस्ट ऑफ द नॉन सॉलिड नॉन मेटल्स जो होते हैं वो इस प्रॉपर्टी को शो करते हैं। और मैंने कहा कि मैलेबिलिटी की बात की, तो मैलेबिलिटी दैट प्रॉपर्टी, मैलेबल कोई आपसे पूछे कि व्हाट इज मैलेबिलिटी, तो आप कहेंगे मैलेबिलिटी इज दैट प्रॉपर्टी ऑफ ए मेटल ड्यू टू विच इट कैन बी बीटन इनटू थिन शीट्स। थिन शीट पतली पतली चादरें इसकी हम बना सकते हैं पीट पीट के, तो दैट प्रॉपर्टी इज कॉल्ड मैलेबिलिटी। दूसरा तीसरा आपके बुक में दिया हुआ है डक्टिलिटी, ठीक है, डक्टिलिटी। डक्टिलिटी इज दैट प्रॉपर्टी ऑफ ए मेटल, ये वह गुण होता है जिसके कारण इट कैन बी बीटन इनटू थिन वायर्स, इट कैन बी स्ट्रेच्ड इनटू थिन वायर्स। डक्टिलिटी के कारण आप जो है इनकी पतली पतली तारे बना सकते हैं। आप देख सकते हैं आप एल्यूमिनियम की, कॉपर की, गोल्ड की कितनी पतली पतली तारे देखते हैं, बिजली की तारे देखते होंगे आप, जब देखते होंगे तो उसमें आपने ध्यान दिया होगा कि वो सारे जो है बनी को पतली पतली होती है। सिमिलरली आपने फील किया होगा गोल्ड, एक ग्राम गोल्ड को आप जो है एक किलोमीटर लंबा तार बना सकते हैं। सोचिए हाउ कैन, कितना ज्यादा ये डक्टाइल होता है। तो डक्टिलिटी इज दैट प्रॉपर्टी which allows the metals to be drawn into thin wires. Non-metals are non-ductile. Non-metals ductile नहीं होते हैं, metals क्या होते हैं बच्चे, ductile होते हैं। metals क्या होते हैं, ductile होते हैं। next होता है luster. luster means क्या होता है, that is चमक, चमक। most of the metals are luster, most of the metals have the metallic shining and that metallic shining is called metallic luster, ठीक है। due to that property it is used in making of the jewelry, जैसे gold silver देखा आपने, ज्वेलरी के लिए यूज करते हो, ये इसलिए यूज करते हैं क्योंकि it has a metallic luster, इसमें एक चमक होती है जिसके कारण इसको किसमें यूज करते हैं हम लोग, सो एज ए गोल्ड कहते हैं, एज ए ज्वेलरी भी यूज करते हैं, ठीक है। इसके अलावा नॉन मेटल्स में ऐसा कोई भी लस्टर नहीं होता है, ऐसा कोई भी चमक नहीं होता है। कुछ मेटल्स में, नॉन मेटल्स में होता है, सो आयोडीन और ग्रेफाइट इसमें कुछ लस्टर होती है बट बाकी किसी में नहीं होती है। किस किस का नाम का, आयोडीन और ग्रेफाइट। इसके अलावा मैंने बात किया कंडक्टिविटी ऑफ हीट, कंडक्टिविटी ऑफ हीट, कंडक्टिविटी ऑफ हीट की बात करूं बच्चे, तो मोस्ट ऑफ द मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। मोस्ट ऑफ द मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी मोस्टली। इसी के कारण मोस्टली आपने देखा होगा आपके जितने भी बर्तन खाना पकाने वाले बनते हैं, जो भी बनते हैं, वो किससे बने हुए होते हैं, मेटल्स के बने होते हैं, क्योंकि दे आर द गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। जितने भी बिजली की वायर वायर देखी होगी सब में ध्यान देखिएगा कॉपर एल्यूमिनियम के वायर होते हैं, वो क्यों होते हैं, क्योंकि दे आर द गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। जितने भी खाना पकाने के बर्तन है वो सारे किसके बने होते हैं, मेटल्स के, क्योंकि दे आर द गुड कंडक्टर ऑफ हीट। सो मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, इसके कारण इसको यूज करते हैं। नॉन मेटल्स आर पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। इसमें एक्सेप्शन है ग्रेफाइट, ग्रेफाइट एक ऐसा नॉन मेटल है जो कि इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर होता है, ग्रेफाइट,
इज ए नॉन मेटल विच इज गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। फिर इसके बाद बात आती है हार्डनेस। मोस्ट ऑफ द मेटल्स आर हार्ड, मोस्ट ऑफ द मेटल्स जो हार्ड होते हैं इसी हार्डनेस के कारण जो होता है दे आर यूज इन मेकिंग ऑफ बिल्डिंग्स, दे आर यूज इन मेकिंग ऑफ ब्रिजेस, दे आर यूज इन मेकिंग ऑफ डिफरेंट थिंग्स कंस्ट्रक्शन एंड दैट लाइक डू बिकॉज दे आर वेरी हार्ड। ठीक है, आप लोहे का यूज करते हो, बड़े बड़े ब्रिज, बड़े बड़े पुल, बड़े बड़े बिल्डिंग्स, रेलवे ट्रैक्स, इस सबको बनाने के लिए। मोस्ट ऑफ द नॉन मेटल्स जो होते हैं जनरली वो सॉफ्ट होते हैं, ठीक है, नॉट हार्ड और नॉट सो स्ट्रेंथ। नेक्स्ट जो बात आती है टेंसाइल स्ट्रेंथ। टेंसाइल स्ट्रेंथ का मतलब क्या होता है, ये झुक सकता है, टूटेगा नहीं, इसी के कारण इसका यूज जो है टेंसाइल स्ट्रेंथ के कारण वही द प्रॉपर्टी विच अलाउज ए सब्सटेंस टू बियर ए लॉट ऑफ स्ट्रेन विदाउट ब्रेकिंग इज कॉल्ड टेंसाइल स्ट्रेंथ। इसी के कारण इसका यूज हम कहां करते हैं, मेकिंग ऑफ बिल्डिंग, मेकिंग ऑफ ब्रिज एंड एक्सेट्रा। ठीक है बच्चे, इसके अलावा डेंसिटी, मेटल्स की डेंसिटी हाई होती है, नॉन मेटल्स की डेंसिटी लो होती है, ठीक है ना। इसमें भी मेटल में एक्सेप्शन होता है डेंसिटी में, सोडियम एंड पोटेशियम, किसकी बात की मैंने, सोडियम और पोटेशियम, ये दोनों मेटल्स की डेंसिटी क्या होती है, लो होती है। और नॉन मेटल्स में अगर आप जाते हैं तो डायमंड की सबसे हाई डेंसिटी होती है, किसकी हाई डेंसिटी होती है, डायमंड की। इलेक्ट्रिसिटी की कनेक्टिविटी की मैंने बात करी दिया कि मोस्ट ऑफ द मेटल्स आर गुड कनेक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, नॉन मेटल्स आर बैड कनेक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, लेकिन नॉन मेटल में ग्रेफाइट होता है जो कि गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है, और क्या कहते हैं आपका, और मेटल्स में जो होते हैं सारे के सारे जो होते हैं गुड कंडक्टर होते हैं। ठीक है, अब एक बात और आती है, जैसे सिल्वर है, गोल्ड है, दे आर द सिल्वर इज द बेस्ट कंडक्टर। अब सिल्वर की तार क्यों नहीं होती है, एल्युमिनियम की तार देखी होगी आपने, कॉपर की तार देखी होगी, सिल्वर की तार क्यों नहीं होती है, रीजन इज दैट सिल्वर इज एक्सपेंसिव, सिल्वर काफी ज्यादा महंगा होता है, उतने महंगे तार को हम यूज नहीं करते हैं। और नॉन मेटल्स जो होते हैं वो सारे के सारे क्या होते हैं बच्चे, दे आर नॉट गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इसके अलावा इसमें बात आती है सोनोरिटी की। सोनोरिटी मीन्स आवाज। आपने देखा होगा जब आप घर में, स्कूलों में, कहीं भी बेल को पीटते हो तो आवाज आती है, दैट इज कॉल्ड सोनोरस प्रॉपर्टी। तो मोस्ट ऑफ द मेटल्स आर सोनोरस, जब भी आप इसको पीटोगे आवाज प्रोड्यूस होता होगा, दैट इज कॉल्ड मोस्ट ऑफ द मेटल्स आर सोनोरस। नॉन मेटल्स क्या होते हैं बच्चे, सो वो सोनोरस नहीं होते हैं, इसीलिए मेटल्स का यूज हम बेल बनाने में एंड डिफरेंट डिफरेंट चीजों में यूज करते हैं। मल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट की बात करें तो मोस्ट ऑफ द मेटल्स के जो होते हैं वो हार्ड होते हैं, तो उनकी मल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होती है, काफी हाई होती है, ठीक है ना। हालांकि सोडियम, पोटेशियम, मरकरी, गैलियम सबकी जो मल्टिंग पॉइंट होती है वो काफी लो होती है। नॉन मेटल्स का भी जो मल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होता है वो काफी लो होता है। इन्हीं सब चीज को ध्यान में रखे हुए लास्ट में आपको जो है एक डिफरेंस दिया हुआ, डिफरेंस बिटवीन फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, जितनी मैंने अभी बात किया वही सारे चीज को समराइज करके टेबल नंबर 4.2 आपका होमवर्क रहेगा, टेबल नंबर 4.2, ठीक है बच्चे, जिसमें आपको फिजिकल प्रॉपर्टीज के आधार पे मेटल्स और नॉन मेटल्स को डिफ्रेंशिएट किया गया है, जिसके आधार पर आप पढ़ सकते हैं सारा चीज, वही जो मैंने बताया है, मेटल्स आर मलेबल एंड डक्टाइल, नॉन मेटल्स आर नाइदर मलेबल नॉर डक्टाइल, मेटल्स आर सॉलिड एट रूम टेम्परेचर, नॉन मेटल्स आर जनरली सॉलिड और गैसियस, ब्रोमीन एक अकेला नॉन मेटल है जो कि लिक्विड होता है रूम टेम्परेचर पे, मेटल्स हैव लस्टर, नॉन मेटल्स हैव नो लस्टर, इस सारी प्रॉपर्टीज को समराइज किया गया है, यू हैव टू डू इट इन योर होमवर्क एंड थैंक यू, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।